हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल नूतन ऑनलाइन स्टडी। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पाउलो फ्रेरे के बारे में। पाउलो फ्रेरे की एजुकेशनल फिलॉसफी के बारे में आज हम अपनी इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो मेक श्योर मेरे चैनल को शेयर ज़रूर करें, लाइक करें, क्योंकि मेरे इस चैनल पर आपको वीडियो तो मिलती ही है एज़ वेल एज़ पी डी एफ भी मिल जाएगा। चलिए देख लेते हैं पाउलो फ्रेरे कौन थे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे और जानेंगे इंट्रोडक्शन, यानी पाउलो फ्रेरे कौन थे, एम ऑफ एजुकेशन जानेंगे, उनका उनके फिलोसॉफिकल आइडियाज़ क्या थे। एम ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू पाउलो फ्रेरे, सिलेबस अकॉर्डिंग टू हिम, और यू कैन ऑल्सो से करिकुलम, टीचिंग मेथड एंड डिसिप्लिन अकॉर्डिंग टू पाउलो फ्रेरे। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, देख लेते हैं पाउलो फ्रेरे की एजुकेशनल फिलोसॉफी क्या थी। तो आज हम पढ़ रहे हैं पाउलो फ्रेरे के बारे में। इंट्रोडक्शन पहले देख लेते हैं कि पाउलो फ्रेरे कौन थे। पाउलो फ्रेरे 20वीं सेंचुरी के एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल फिलोसोफर रहे हैं। इनका जन्म 19 सितंबर 1921 को नॉर्थ ईस्ट ब्राज़ील में इनका जन्म हुआ था। बात करें इनके फैमिली बैकग्राउंड की, तो इनका जो जन्म है वो बहुत गरीब फैमिली में हुआ था और इनकी एजुकेशन भी कंप्लीट नहीं हो पाई थी। उन्होंने क्या डिसाइड किया कि इस देश की जो पावर्टी है वो कैसे हटाएंगे, एजुकेशन के थ्रू हटाएंगे। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने बाद में क्या किया, एजुकेशन लोगों को, ऑप्रेस्ड लोगों को, गरीबों को, पुअर पीपल को उन्होंने एजुकेशन बाद में प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया था। जब पाउलो फ्रेरे हाई स्कूल में पढ़ रहे थे उसी दौरान उन्होंने दूसरों को भी पढ़ाना शुरू कर दिया एज ए इंग्लिश टीचर। ठीक है, और 1964 तक वो हिस्ट्री और फिलोसॉफी एजुकेशन उन्होंने पढ़ाया। ठीक है, तो 1964 के बाद उन्हें जो है ब्राज़ील से निष्कासित कर दिया गया। उनको ब्राज़ील में उनके जितने प्रोग्राम्स थे सारा कुछ बैन कर दिया गया गवर्नमेंट के थ्रू, क्योंकि पाउलो फ्रेरे क्या कर रहे थे उस समय, जो ऑप्रेस्ड पीपल थे, जो गरीब पावर्टी में जी रहे थे, ऐसे लोगों को पाउलो फ्रेरे क्या करते थे, एजुकेशन प्रोवाइड करते थे। तो उस समय जो न्यू गवर्नमेंट वहाँ पे आई, उनने क्या किया कि पाउलो फ्रेरे को मतलब जितने भी उनके प्रोग्राम्स थे वो सभी बैन करके, जितने भी थियोरीज थे, जितने भी उनके प्रोग्राम थे, उसको बैन कर दिया उन्होंने। ठीक है, और फिर मतलब कोई अंडर मिलिट्री रूल्स उन्होंने क्या किया कि उनके सारे जितने भी लर्निंग थियरीज थे, एक्सपेरिमेंट्स थे, उनको बैन कर दिया और उन्हें ब्राज़ील से एक्साइल कर दिया, निष्कासित कर दिया। तो 1960 इसके बाद 1970 में उन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था पेडागॉजी ऑफ द ऑप्रेस्ड, जो 1970 में उन्होंने लिखी और वो बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी। ठीक है, पाउलो फ्रेरे का जो देहांत है 1997 में हो गया था ड्यू टू हार्ट फेलियर। ठीक है, अब हम आगे देख लेते हैं कि एम ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा के उद्देश्य अकॉर्डिंग टू पाउलो फ्रेरे क्या था। ओके, सो फर्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे, टू ट्रांसफॉर्म द वर्क स्पेशली ऑप्रेस्ड पीपल थ्रू एजुकेशन। जैसा कि पाउलो फ्रेरे ने ऑप्रेस्ड जो दबे, जो कुचले वर्ग के लोग थे, उनके लिए उन्होंने बहुत सारा कार्य किया था, तो उनका मानना था कि जो जो दबे हुए लोग हैं या तो जो निम्न वर्ग के लोग हैं, ऐसे लोगों को समाज में ऊंचा उठाना और उनके लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना। सेकंड देख लेते हैं, डेवलप अवेयरनेस इन पीपल, तो लोगों के बीच में जागरूकता फैलाना। थर्ड है टू अचीव पर्सनल फ्रीडम एंड सोशल जस्टिस थ्रू एजुकेशन। एजुकेशन के थ्रू क्या करना, फ्रीडम देना, स्वतंत्रता लोगों को देना, सोशल जस्टिस यानी सामाजिक जो न्याय है सभी को मिलना चाहिए और सभी को फ्रीडम मिलनी चाहिए, पर्सनल फ्रीडम सभी को मिलनी चाहिए। फोर्थ है फ्रीडम टू स्पीक, थिंक एंड एक्ट, यानी सोचने की, बोलने की और एक्ट करने की क्या है, सभी को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। ठीक है, अब आगे हम लोग देख लेते हैं लास्ट फिफ्थ, क्रिएशन ऑफ पर्सन्स विद डिफरेंट एबिलिटीज़ फॉर डिफरेंट फील्ड्स, यानी एजुकेशन के थ्रू
ऐसे पर्सन्स का क्रिएशन करना जो हर फील्ड में क्या कर सके, अपनी एबिलिटीज़ के साथ परफॉर्म कर सके, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं हम लोग कि एजुकेशन अकॉर्डिंग टू पाउलो फ्रेरे क्या था। पाउलो फ्रेरे एजुकेशन, बैंकिंग सिस्टम एजुकेशन के टोटली ऑपोजिट, मतलब अपोज में थे। उनका मानना था कि जो स्कूल है वो एक बैंकिंग सिस्टम की तरह काम करता है। जैसे कि बैंकिंग सिस्टम में डिपॉजिट किए जाती है मनी, उसी तरीके से टीचर्स क्या करते हैं, अपने थॉट्स, अपने नॉलेज क्या करते हैं, स्टूडेंट्स को स्टूडेंट्स में डिपॉजिट करते हैं। तो इस तरीके से पूरा एजुकेशन टोटली क्या हो जाता है, टीचर सेंटर्ड हो जाता है। केवल टीचर ही क्या है, उनका मानना था कि दोनों तरफ से, मतलब स्टूडेंट्स और टीचर दोनों के बीच में टोटल कम्युनिकेशन होनी चाहिए। लेकिन जो बैंकिंग एजुकेशन सिस्टम है उसमें क्या होता है कि पूरा एजुकेशन केवल क्या होता है, टीचर सेंटर्ड बन के ही रह जाता है। बैंकिंग सिस्टम में लर्नर को हैंडल किया जाता है एक ब्लैंक स्लेट की तरह से, जो एक स्लेट होता है, और टीचर उसमें अपनी कोई भी जो नॉलेज डिपॉजिट करना चाहे, लिखना चाहे, वो लिख सकती है। तो इसलिए पाउलो फ्रेरे बैंकिंग सिस्टम के अपोज में थे। आगे पाउलो फ्रेरे क्या कहते हैं, नो वन कैन टीच एनी वन एल्स, नो वन अर्न अलोन, पीपल लर्न टुगेदर, यानी कोई किसी को नहीं पढ़ा सकता, और नो वन अर्न अलोन यानी अकेले सब किसी को नॉलेज नहीं मिल रहा है, यानी यहाँ पे क्या है, टीचर और स्टूडेंट्स दोनों को भी नॉलेज मिलेगा। अगर टीचर स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है तो स्टूडेंट को तो नॉलेज मिलेगा ही, एज वेल एज टीचर को भी क्या होगा, ज्ञान अर्जन होगा, पढ़ाते पढ़ाते टीचर को भी क्या होगा, नॉलेज मिलेगा, यानी दोनों को भी नॉलेज मिलता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। आगे देख लेते हैं सिलेबस क्या था। तो पाउलो फ्रेरे जीसस में बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे, इसीलिए उन्होंने करिकुलम में रिलीजियस बुक को इंक्लूड करने की बात कही। कार्ल मार्क्स के कार्यों से भी बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, तो इसलिए उन्होंने सोशल स्टडीज़ को भी इंक्लूड करने की बात कही थी। इसके अलावा गेम्स, लैंग्वेज, आर्ट्स, सोशल एंड फिलोसॉफी को इंक्लूड करने की बात उन्होंने कही है, और मैथ्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी को क्या कहते हैं वो, कि मैथ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी को सिंपल लैंग्वेज में बच्चों को समझाया जाना चाहिए। तो ये सभी टॉपिक्स को वो करिकुलम इंक्लूड करना चाहते थे। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है टीचर अकॉर्डिंग टू पाउलो फ्रेरे। पाउलो फ्रेरे क्या कहते थे कि टीचर को कभी भी ये नहीं कहना चाहिए, तो ये नहीं मानना चाहिए कि मैं ज़्यादा पावरफुल हूँ, और साथ ही किस भी तरह के जो ऑटोक्रेटिक मॉडल है उसको फॉलो नहीं करना चाहिए, और स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, स्टूडेंट को कंट्रोल करने की भी कोशिश नहीं करनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं पाउलो फ्रेरे कि टीचर कैसा होना चाहिए, टीचर को लिबरल होना चाहिए, ह्यूमैनिटेरियन होना चाहिए, और साथ ही वो चाइल्ड का या लर्नर के फ्रीडम का रिस्पेक्ट भी टीचर को करना चाहिए। अब आगे देख लेते हैं लास्ट, डिसिप्लिन। तो पाउलो फ्रेरे किसी भी तरीके के डिसिप्लिन पे, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन पे यकीन नहीं रखते थे, विश्वास नहीं करते थे, और उनका मानना था कि टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में क्या होना चाहिए, कांस्टेंट कम्युनिकेशन होना चाहिए, और टीचर को किसी भी तरीके से ये नहीं मानना चाहिए कि मैं पावरफुल हूँ, यानी स्टूडेंट्स एंड टीचर दोनों को भी बराबर का क्या मिलना चाहिए, और रेस्पेक्ट मिलना चाहिए, और बराबर का हक मिलना चाहिए, ठीक है। और लास्ट है डेमोक्रेटिक डिसिप्लिन, ठीक है। तो डिसिप्लिन भी डेमोक्रेटिक होनी चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए स्टूडेंट्स को भी अपनी बात रखने का, अपने विचार, अपने थॉट्स और फीलिंग्स रखने का, ठीक है। तो ये था हमारी आज की वीडियो, जहाँ पे हमने पढ़ा पाउलो फ्रेरे की एजुकेशनल फिलोसॉफी क्या थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत मेहनत से ये वीडियो बनती है आप सभी लोगों के लिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय एंड टेक केयर।